बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या पर विवादास्पद बयान दे दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक ने रविवार को गया में कहा कि गरीब अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं तो बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, बड़े लोग दार्जिलिंग रहते हैं और पत्नी शिमला में रहती है तो पोस्ट कार्ड पर इनके बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए गरीब की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। मांझी ने कहा कि विधानसभा में कामाख्या, नारायण और देवी सहाय में जनसंख्या की बात पर विवाद हुआ था। देवी सहाय को 7 बेटे थे। बहस के दौरान कामाख्या नारायण ने देवी सहाय से कहा था कि ये मुख्यमंत्री राज्य में क्या जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, इनके तो 7 बच्चे हैं। इस पर देवी सहाय ने कहा था कि मैं तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ, इसीलिए संबंध बन जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन जैसे बड़े लोग रहते हैं दिल्ली में और पत्नी रहती है शिमला में और पोस्ट गार्ड पर, आप लोगों को बाल बच्चा पैदा हो जाता है। तुर्की में भूकंप का प्रकोप थम नहीं रहा। मराठिया प्रांत में आए भूकंप में एक आदमी की मौत हो गई। 5.6 तीव्रता के इस भूकंप में कई इमारतें भी जमींदोज हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। एक वीडियो में दिखा कि जहां जहां इमारतें गिरी उन जगहों पर धूल का गुबार उठा। एक दूसरी तस्वीर में लाल रंग का यह मकान भरभराकर गिरता दिखा। तुर्की के माल्टा में कई इमारतें धराशायी हो गईं और उनके मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गईं। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी रेस्क्यू के काम में जुटी है। भारत में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे एक कश्मीरी आतंकी की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। पिछले एक साल में पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकियों के मारे जाने की यह तीसरी घटना है और पिछले एक हफ्ते में दूसरा कश्मीरी आतंकी पाकिस्तान में मारा गया। हाल ही में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कश्मीर के रहने वाले एक और आतंकी खालिद राजा को कराची में गोलियों से भून दिया गया। बताया गया कि कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका खालिद राजा इन दिनों कराची में एक स्कूल संघ का नेता था, लेकिन ये बस दुनिया को दिखाने के लिए था क्योंकि उसका असली काम अब भी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उसके घर के बाहर ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सिंध प्रांत के गवर्नर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। इससे पहले कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकी बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी, जिससे हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन इतना बौखला गया था कि वो खुलकर सामने आ गया। जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये झूठ बोलता है कि उसने सैयद सलाउद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान की पोल तब खुल गई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया अपने टॉप कमांडर के जनाजे में शामिल हो गया। खालिद राजा की तरह बशीर अहमद पीर भी पिछले कई साल से कश्मीर में आतंकी साजिश रचने में जुटा था। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में भी मदद करता था। इससे पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी की पिछले साल फरवरी में हत्या कर दी गई थी।